देखिए क्लास, इसी तरीके से इसका एक और सवाल है। आप सवाल में कह रहे हैं 908 मल्टीप्लाई बाय 908, देखें दो दफ़ा लिखा हुआ है 908, तो मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पहले लिखा हुआ सवाल मेरे पास आया था, मैं वैसे लिख सकता हूँ 908 की पावर स्क्वायर, क्योंकि बेसिस थे में पावर ऐड हो जाएंगी, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने आपको कहा नियरेस्ट टेन तक आप इसको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, तो देखिए मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 910 माइनस 2, जब 910 में से 2 माइनस करूँगा तो वो 908 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता हूँ और 900 प्लस 8 भी कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 910 माइनस 2 कर दिया और पावर लगा दी स्क्वायर की। मैंने इस वजह से ये किया बेटा ताकि आपको एक माइनस वाले भी करके दिखा दूँ सवाल। ठीक है, अब देखें मैं स्टेटमेंट लिखूँगा बाय अप्लाइंग AWPLYING अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था, इस वजह से मैंने माइनस वाला फॉर्मूला लगाया। जब प्लस था तो मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सेम वैसे ही रहता है, मैंने बताया था यहाँ प्लस है, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस था तो देखिए माइनस आ गया। ये साइड हमारे पास पहले से बनी हुई है, साइड कौन सी बेटा, वो है 910 माइनस 2 और होल पे पावर स्क्वायर। अब देखें बस ए की जगह पे 910 है और बी की जगह पर 2 है, तो मैं जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 910 लिखूँगा और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 2 लिखता जाऊँगा। तो देखिएगा ए की जगह 910 पावर स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पे रहेगा, ए की जगह 910 बी की जगह 2 और प्लस बी की जगह पर 2 और उसके ऊपर आ गया बेटा स्क्वायर। ठीक है, साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी है। मल्टी ब्रैकेट इस वजह से बनाया है क्योंकि डिजिट्स के बीच में साइन मल्टीप्लाई आ गया था और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता। ठीक है, अब देखें 910 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 910 को 910 से, तो क्या आएगा तो देख लेंगे बेटा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 0 1 0 0 9 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 9 मल्टीप्लाई बाय 0 9 1 9 9 9 81। अब आप ऐड करेंगे तो 0 0 1 9 9 18 और ये आ गया 2 और ये आ गया 8। क्या आ रहा है बेटा, 8 2 8 1 0 0, हम यहाँ लिख देते हैं 8 2 8 1 0 0। साइन लगाते हैं बेटा किसका, माइनस का। 910 2 0 9 1 0 2 0 होता है 18 20 18 20 2 0, देखें क्या होता है 18 20 2 0 3 6 4 0 3 6 4 0। एक दफ़ा करके चेक भी कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 910 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 1 0 2 और 2 9 18 18 20। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या होगा, 2 0 0 2 2 0 4 2 8 16 और 2 1 2 1 3 3 6 4 0। हमारा आंसर करेक्ट था, साइन आएगा प्लस का, 2 की पावर स्क्वायर 2 2 बेटा 4 होता है। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद इसमें 4 को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे 8 2 8 1 0 0 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0 4 6 3। जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 रहेगा, इसमें से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएगा, 2 और 8। देखें क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है 8 2 4 4 6 0, उसमें हमें ऐड करना है 4 को, तो क्या हो जाएगा 8 2 4 4 6 4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।